सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नई ड्रीम इलेवन टू डीएम के प्रोडक्शन के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुंबई इंडियन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के आईपीएल टी20 मैच के बारे में। अगर गाइस हम दोनों टीमों की गाइस बात कर लेंगे तो मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल दोनों टीमों में से अभी किसी ने भी प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कराया है। हाँ, गाइस दिल्ली कैपिटल काफ़ी क्लोज है क्वालिफाई करने के, गाइस इनको बस एक या दो मैच जीतने के क्वालिफाई करने के लिए। गाइस इसके बाद गाइस दिल्ली कैपिटल्स में क्वालिफाई कर जाएगी अपने प्ले ऑफ्स के लिए। गाइस वहीं बात कर लेंगे मुंबई इंडियंस को, गाइस मुंबई इंडियंस को अपने ऑलमोस्ट सारे मैच जीतने गाइस क्वालिफाई करने के लिए, गाइस तीन मैच बचेंगे मुंबई इंडियंस के, गाइस उनमें एटलीस्ट गाइस मुंबई इंडियंस को पूरे के पूरे तीन मैच जीतने पड़ेंगे। हमें दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली को सिर्फ एक मैच जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। गाइस तो दोनों के लिए गाइस अलग कंडीशन रहने वाली है मैच को खेलने के लिए, दोनों के लिए बहुत मतलब मुंबई इंडियंस को तो गाइस ये मस्ट विन सिचुएशन रहने वाली है अपनी मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। तो गाइस इस वीडियो में आपको ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करेंगे, गाइस प्लेयर एनालिसिस करेंगे, टीम प्रीव्यू देखेंगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम इसको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। गाइस तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, गाइस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। गाइस वीडियो में गाइस हमने आपके लिए गिव अवे भी प्लान करा होगा, गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट लेना है वो आपको वीडियो के मेन्यू बता देंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे दो काम कर दीजिए, एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया टेलीग्राम चैनल का, और गाइस कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया, आपको जस्ट वहाँ पर टिक करके गाइस अपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। तो गाइस अगर हम गाइस प्लेइंग इलेवन के बारे में बात कर लेंगे तो मुंबई इंडियंस की गाइस जो मेन दिक्कत रहेगी गाइस वो सूर्य कुमार यादव, गाइस सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लग रहेगा, यूएई लेग में बिल्कुल भी, एक मैच में भी उन्होंने अच्छा रन स्कोर करके नहीं दिए गए। तो उनके जो मेन बैट्समैन रहेंगे वो गए रोहित शर्मा, गुंटर डिकॉक फॉर्म में गए, लास्ट मैच में गए हार्दिक पांड्या भी, उन्हें भी काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखाई थी, गए वापस आ गए हार्दिक पांड्या फॉर्म में गए, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी खबर है कि मुंबई इंडियंस के लिए। सौरभ तिवारी भी गए काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। वही बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स में, गए लास्ट मैच में चेंज होता है अपने जो स्टीव स्मिथ है, लास्ट मैच में गए इनको मौका दिया गया था पृथ्वी शॉ की जगह, शिखर धवन का लास्ट दो मैच में से शांत है, गई तो अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकते हैं आपको इस मैच में। मैं गए सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत गए उसमें हेट मार गए, नीचे बैट्समैन का तो नंबर ही ना था, गए तो ऊपर वाले बैट्समैन दिल्ली के बहुत अच्छे फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगर मुंबई इंडियंस की, कहते हैं अगर टीम अपडेट के बारे में कहते हैं तो रोहित शर्मा एंड गुंडर डिकॉक का आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे देंगे। गाइस मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे आपको सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी एंड हार्दिक पांड्या आते हुए दिखाई दे देंगे। फिनिशर के लिए गाइस कारण पोलार्ड और कृणाल पांड्या गाइस बैकअप खेले गए मुंबई के लिए, गए बैटिंग लाइनअप देखे गए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मुंबई इंडियंस के पास। बात करते हैं गाइस बॉलिंग में गाइस यहाँ पे कृणाल पांड्या, राहुल जारा स्पिन बॉलिंग की तरफ से, गाइस पेस बॉलिंग में नेसल कुल्टन्ना, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह बहुत इंटरेस्टिंग बोलर आपको दिखाई दे देंगे। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपडेट के बारे में, गाइस दिल्ली कैपिटल यहाँ पे शिखर धवन और स्टीव स्मिथ ओपनिंग में आपको दिखाई दे देंगे। गाइस मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे आपको श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एंड शिमरन हेटमायर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं फिनिशर के रोल में, गाइस आपको यहाँ पे ललित यादव एंड ऋषभ पंत आपको दिखाई दे देंगे गाइस लोअर मिडिल ऑर्डर में। बात करते हैं स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे रविंद्र अश्विन एंड ललित यादव रहेंगे। गाइस आपको पेस बॉलिंग में यहाँ पे एंड्रयू नॉर्थ का गीस रोबाडा एंड अवेश खान आपको दिखाई दे देंगे पेस बॉलिंग की तरफ से। हेड टू हेड देख ले गए तो डीसी यहाँ पे 13 मैच जीती है, मुंबई इंडियंस यहाँ पे 16 मैच जीती है। टॉप पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे रोहित शर्मा अपने टॉप पिक रहने वाले हैं, करण पोलार्ड, शिखर धवन, अपने स्टीव स्मिथ, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह एंड एंड्रयू नॉर्थ जगह, यहाँ पे कगिसो रबाडा का भी नाम ऐड कर लेना, कगिसो रबाडा भी गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं अपने इस मैच के लिए। गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे फैंटेसी टिप्स की, गाइस फास्ट बॉलर प्ले मेजर रोल होंगे इस पिच, गाइस फास्ट बॉलर अपने जरूर लेना गाइस इस पिच पे। की प्लेयर रहने वाले गाइस दोनों टीमों के, गाइस एमआई की तरफ से रोहित शर्मा, गुंडर डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, करण पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। डीसी में गए यहाँ पे शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कई सौरभ बना रिच नॉर्थ से। बात करते हैं गाइस पिच रिपोर्ट की, गाइस न्यूट्रल पिच रहने वाले गाइस पेस बॉलर्स और बॉलर दोनों को सपोर्ट देगी, गाइस आपको पता है गाइस ये पिच गाइस थोड़ी सी ऐसी पिच है गाइस यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा ग्राउंड थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो इस वजह से गाइस आपको जो पिच देखने वाली होगी न्यूट्रल पिच रहेगी। गाइस पेस बॉलिंग के लिए भी लास्ट सीजन हमने देखा था गाइस काफ़ी दिक्कत होती थी बैट्समैन को बैटिंग करते हुए, बट गाइस इस सीजन इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है गाइस, मतलब 160-170 रन ईजिली बन रहे हैं। तो गाइस ट्राई करना गाइस अपनी टीम अच्छे बैट्समैन लेके जाने की, टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेके जाने की, इनका पेस बॉलर्स लेके जाने की, स्पिनर को इतनी हेल्प नहीं है गाइस जितनी इस बार पेस बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, तो ट्राई करना पेस बॉलर्स को ज़्यादा रखने की। सो गाइस आपको मैं गिव अवे के बारे में बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है गिव अवे के, जहाँ आपको यहाँ पर टीम सेक्शन दिख रहा होगा, आपको जैसे यहाँ पर टीम सेक्शन पर क्लिक करना है। गाइस टीम सेक्शन के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सजेस्ट ऑल टीम का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, अगर आपको वहाँ पर सजेस्ट ऑल टीम करनी है अगर आपको अपने हिसाब से बेस्ट टीम लगानी है, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, जो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ गाइस ये टीम, जिस टीम का फाइनल टीम बिल्कुल मत समझना गाइस। अब अगर आप कोई भी गाइस अपने मेन आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ ये बॉलर चलेगा गाइस आप उनको अपनी टीम में लेना गाइस, आपको अच्छा प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो।
यहाँ पे गए आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहेगा, आपको यहाँ पे सबमिट करना है एंड बूम गए इस तरीके से आपने हमारे गिवअवे में पार्टिसिपेट ले लेगा। आपको कुछ नहीं करना, पॉसिबल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर रजिस्टर करना है। 10 रुपीज़ इंस्टेंट कैश बोनस आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपके गए आपको हमारे इस मैच पर आके गए हमारे गिवअवे में ऐसे ही ज्वाइन करना है, सिंपली जैसे मैंने ज्वाइन करा है। जो भी आपका विनिंग अमाउंट होगा आपको आपके पॉसिबल के अकाउंट में भेजा जाएगा, जिसको आप पेटीएम रिडीम कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप हमारे गिवअवे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। गाइस विकेट कीपर सेक्शन में देखने का, विकेट कीपर में यहाँ पे अपने कुंदन डिकोंगे ऋषभ पंत दोनों काफ़ी अच्छे पिक रहने वाले हैं। मैं दोनों को इस मैच में पिक करने वाला हूँ, बहुत अच्छे पिक रहने वाले हैं आपके लिए इस मैच में। बैटिंग में देखने के साथ रोहित शर्मा गाइस अपनी मेन पिक रहेंगे, यहाँ पे श्रेयस अय्यर गाइस शिखर धवन गाइस मेन पिक रहने वाले हैं। बट गाइस फिलहाल मैं शिखर धवन को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि गाइस थोड़ा सा क्रेडिट इशू होगा गाइस, इसलिए आपको गाइस एक बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर गाइस जहाँ पे दिल्ली की पहले बैटिंग आती है गाइस, तो मैं यहाँ पे कम्प्लीटली गाइस शिखर धवन को ड्रॉप करने वाला हूँ। गाइस अगर दिल्ली की बाद में बैटिंग आती है गाइस, पहले मुंबई इंडियन की बैटिंग आती है, तो कहीं यहाँ पर शिखर धवन को किसी भी तरह से गाइस आपको लेके गए आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो गाइस फिलहाल मैं शिखर धवन को ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे गाइस करण पोलार्ड अपने मेन पे करेंगे गाइस, एंड यहाँ पे स्टीव स्मिथ। ऑलराउंडर में देख लेगा, ऑलराउंडर में गाइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या को मैं लेने वाला हूँ। लास्ट मैच में फॉर्म में आ गए तो अपने हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छे उन्होंने पॉइंट्स दिए भी थे। बात करते हैं बॉलिंग है, बॉलिंग में यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कगिस रबाडा एंड आंड्रीज नॉर्ड्स है गाइस। मैंने सारे मेन बॉलर्स ले लिए हैं दोनों टीमों के। अब आप देखिए चेकआउट कर सकते हैं कि कैप्टन मैं तो रोहित शर्मा को बनाने वाला हूँ, वाइस कैप्टन गाइस मैं फिलहाल श्रेयस अय्यर को बनाने वाला हूँ। वैसे देखिए गाइस मैंने सारे मेन बॉलर्स ले लिए गए दोनों टीमों के, दोनों जो दो दो मेन बॉलर्स हैं गए दोनों टीमों के पास, वो दोनों मैंने ले चुके हूँ। अब एक ऑलराउंडर मैंने हार्दिक पांड्या को लिया गया, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर बैट्समैन है। लास्ट मैच में गाइस इन्होंने अच्छी बैटिंग करके गए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अब गाइस मैंने दोनों टीमों को टॉप ऑर्डर बैट्समैन लिए गए। यहाँ पे देखा जाए तो गाइस अपनी मुंबई की तरफ से दोनों गए ओपनर ले लिए हैं, मिडल ऑर्डर के लिए करण पोलार्ड को ले लिया है। बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली की, शिखर धवन को पोलार्ड ड्रॉप करते हुए मैंने सिर्फ यहाँ पे स्टीव स्मिथ लिया है, बाकी तो नंबर 3 नंबर 4 को बैट्समैन को मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये मेरी फिलहाल के हिसाब से फाइनल टीम रहने वाली है गाइस। होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगी गाइस। वीडियो को लाइक करना गाइस, आपको टीम पसंद आई तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। कमेंट करके बताना गाइस आपको टीम कैसी लगी, और भी गाइस टेलीग्राम चैनल में मस्ट ज्वाइन कर लेना गाइस, गिवअवे में जरूर पार्टिसिपेट करना। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक कीजिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।